Hello students, today we are going to start class 6 civics part 2, chapter 2. Okay, हम chapter 2 पढ़ेंगे civics का. My name is Rahi Kumari and I am the teacher of R Public School. Okay, today we are going to start civics. हम इसका half chapter कर चुके second chapter का, अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा topic है रूढ़िवादी धारणाएं बनाना. जब हम सब लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो उससे रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं. यानी कि जब हम किसी के बारे में कोई धारणाएं बना लेते हैं, कोई थॉट्स बना लेते हैं कि वो किस तरह के हैं, कैसे हैं, उनका नेचर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी धारणाएँ. कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं. ऐसे दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है. जब हम किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये शख्स ऐसा है और इनका थॉट्स और ये इस तरह से हैं, तो हम उनके बारे में जब भी कुछ सोचते हैं तो एक उनके बारे में मन क्या होती है? पक्की धारणा. एकदम एग्जैक्टली हम सोचते हैं कि वो उस वैसे ही हैं. हम उनके बारे में क्या करते हैं? पक्की धारणाएं बना लेते हैं. सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं. वो हम इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि माने किसी ग्रुप में अगर वैसा कोई इंसान है कि हाँ वो इंसान इस नेचर का है, तो हम सोचते हैं कि उस समूह के सारे लोग, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है. हम किसी मतलब एक को लेके पूरे समूह को तो नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना. कि मान लीजिए एक ग्रुप में अगर एक लड़का बदमाश, तो हम पूरे ग्रुप को तो बदमाश नहीं कह सकते. इस प्रकार की धारणाएं हम प्रत्येक इंसानों के इस अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देते हैं. यानी कि हम जब ऐसी धारणाएं बना लेते हैं तो उनके अंदर की हम अनोखी चीज़ें, उनकी खासियत हमें देखने से हमारा मन क्या करता है? उन्हें रोकता है कि अरे नहीं, वो तो इस तरह के हैं, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं. वो हमें रोकता है. हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण या सक्षमताएँ हैं जो दूसरों से अलग है. यानी कि हम ये नहीं देख पाते हैं कि वो इंसान जो है उसे खुद की कोई खासियत, कोई क्षमताएँ हैं, वो दूसरों से थोड़ा अलग है. ठीक है, रूढ़िवादी धारणाएं बड़े संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है. यानी कि रूढ़िवादी जो सोच है वो लोगों के बारे में एक ही प्रकार की धारणाएं में सबको डाल देती है. सोच लेते हैं कि हाँ उस साइड के जितने लोग हैं वो इस तरह के हैं, वो ऐसे हैं, वैसे हैं, तो हम क्या करते हैं? उस तरह सोच लेते हैं. जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं. इन रूढ़िवादियों, जैसे कि हमने माना था ना, लोगों पहले लोगों को ऐसा मानते थे कि लड़कियां हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती हैं, है कि नहीं, उन्हें हवाई जहाज़ नहीं उड़ाना आता. इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है. अगर हम कोई धारणा बना लेते हैं लड़कियों के बारे में कि लड़कियां ऐसी हैं या फिर वो हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती, तो उसका असर सब पे पड़ता है. कई बार यह धारणाएँ हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने का काबिलियत शायद हम में हो. देखिए, जब हम सोच लेंगे कि हमसे वो काम नहीं होगा, लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं वो हम कर सकते हैं और हम ना करें और उसे छोड़ दें, तो क्या पता वो काबिलियत शायद हम में हो कि हम कर सकेंगे. हमारे में अंदर वो काबिलियत हो सकती है. इसलिए कुछ भी करने से पहले उसकी हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, माइंड में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. अगर हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके बारे में हमें पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि यस मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस. क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक समानता एवं भेदभाव. भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रह, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, भेदभाव कब होता है? भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रहणों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं. अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते, और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप
उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी को किसी नौकरी में नहीं ले रहे हैं, या फिर कहीं मोहल्ले में नहीं रहने देते हैं, या फिर कुएं या फिर हैंडपम्प में पानी नहीं पीने दे रहे, या फिर चाय पीने के लिए ग्लास और कप ऐसा नहीं दे रहे हैं, उनको किसी भी काम में आगे नहीं रख रहे हैं, लोगों को सामने उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या शो करता है? ये सब चीज़ें ये दिखाता है कि आप उन्हें नीचा कर रहे हो, आप उन्हें उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको आप नीचा दिखा रहे हैं, भेदभाव हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें, ठीक है, आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक क्या था, समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, यानी कि बहुत अलग थे। समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत अलग थे, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, है कि नहीं, उनका धर्म अलग था, या यह विविधता का एक पहलू है, यानी कि वो एक विविधता का एक पहलू है जो आपको बताया जा रहा है। पर यहाँ भेदभाव का कारण पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न आपसे भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। यानी कि जब कोई आपका कास्ट को लेके आगे पीछे करता है, जैसे हमने पहले समीर वन और समीर टू आगे पढ़ा था, उनकी जो स्टोरी थी उनका क्या था, उनके में काफ़ी अंतर था, तो वो भी कहीं ना कहीं भेदभाव का संकेत हो सकता है, वो भी कहीं भेदभाव आपको दिखा सकता है स्टोरी में, अगर चाहे तो ये भी एक भेदभाव के तौर पर हम देख सकते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया। दोनों समीर क्या होंगे, दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था, यानी कि उनकी आर्थिक जो स्थिति थी, पृष्ठभूमि जो मतलब जहाँ वो रहते थे, पृष्ठभूमि जो उनकी बात है, उनकी वो भी एक क्या थी, डिफरेंसेस थी उन दोनों में, ये चीज़ अंतर था। समीर दो गरीब था, है कि नहीं। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, समीर दो का पहलू गरीबी का पहलू नहीं है। सुनिए, एक्चुअल में इसमें है क्या, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल्य जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होता है। यानी कि काफ़ी लोग गरीब ऐसे हैं जो कि ना अपने खाने ना कपड़े किसी चीज़ को जरूरत करने के टाइम ज़रूरत मतलब जो कमियां हैं वो भी वो पूरी नहीं कर पाते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनके साथ क्या किया जाता है, वो गरीब है इसकी वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर अधिकतर दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी कि सामना करना पड़ता है लोगों को इन सब चीज़ों का। किन किन चीज़ों का, विविधता और असमानता दोनों का। यानी कि वो तो चलो गरीब हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ असमानता भी होती, उनके साथ इक्वालिटीज़ नहीं होती, असमानता होती है जिन्हें उन्हें वो सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस मधुर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ, एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। यानी कि किसी किसी की संस्कृति जो है उसको मूल्यवान नहीं माना जाता, हर किसी की संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से आदि एवं गरीब, यानी कि जो लोग गरीब हैं वह उनके पास अपनी ज़रूरतों का पूरा करने का साधन नहीं, यानी कि जो लोग गरीब हैं उनके पास अपनी साधनों का पूरा करने का क्या है, कोई ज़रिया नहीं है। तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है कि लोगों को इस आधार पर भी क्या होता है, भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे दो राहे देखिए यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को दिखेगा कि ऐसे दोहरे भेदभाव, यानी कि मतलब दो भेदभाव, ठीक है, दो भेदभाव के सामने कोई भी दो जनजाति के लोग जो हैं उनके बीच में भेदभाव कर देंगे,
कि उनका एक का धर्म ऊंचा है एक का धर्म नीचा है, इस पे उन लोग कर देंगे कि हाँ आपका जनजाति मतलब अलग है, आपकी कास्ट अलग है, आपकी सोच अलग है, धार्मिक समूह हो जैसे अपने अपने धार्मिक समूह को लेके करने लगेंगे कि हाँ आपका समूह हिंदू, आप मुस्लिम, आप नीचे कास्ट के ऊपर कास्ट के हो, ठीक है। तो इस तरह से लोग कर देते थे, और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, और जो खास क्षेत्र के लोग हैं उन्हें क्या करना है, करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया असमानता एवं भेदभाव, कि असमानता के साथ साथ यहाँ पे भेदभाव भी किया जाता है। असमानता में हम क्या कह सकते हैं, अमीर गरीब के साथ असमानता है कि नहीं, भेदभाव, या फिर कास्ट को लेके कर सकते हैं, अमीर गरीब को लेके कर सकते हैं। तो काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।